लोगों को सजा मिल नहीं रही है, दंड मिल नहीं रहा है। जब दंड नहीं मिलेगा तो भय नहीं होगा, दंड नहीं मिलेगा तो अराजकता कम नहीं होगी। 2006 में नोएडा में निठारी कांड हुआ था, ध्यान है आपको, अखबार जो बड़े हैं उनको पता होगा 2006 में क्या हुआ। 19 लोगों का नरकंकाल मिला एक ही घर में, छोटे छोटे बच्चों का नरकंकाल, महिलाओं का, बेटियों का, रेप हुआ, मर्डर हुआ, उनके कलेजे निकाल लिए गए। और 2023 में फैसला आ रहा है कि भैया जिसके खिलाफ आरोप है ये बेगुनाह है। तो क्या 19 ने उस 19 बच्चों की, 19 महिलाओं की हत्या फिर किसने किया? जिस जज ने ये कहा कि हमको कोई सबूत नहीं दिख रहा है, उस जज ने पंधेर और कोहली का नार्को पॉलीग्राफी मैपिंग क्यों नहीं करा लिया? अरे एक बार नार्को टेस्ट करा लेते, पॉलीग्राफ टेस्ट करा लेते, ब्रेन मैपिंग करा लेते, वो तीनों अगर बेगुनाह होते तो छूट तब छोड़ते। अगर आपको पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं, सीबीआई की जांच पे भरोसा नहीं, तो अपना दिमाग लगा लो। विभाजन हुआ 75 साल में 9 राज्यों में खत्म हो गए, इतनी भी ये भी खबर नहीं है। मात्र 75 साल में 200 जिलों से खत्म हो गए, ये भी खबर नहीं है। मात्र 75 साल में 300 तहसीलों से खत्म हो गए, ये भी खबर नहीं है। हमारे लिए इसराइल से कई ज्यादा खतरा है। इसराइल में तो एक गाजा पट्टी है, भारत में 300 गाजा पट्टी है, हमें खबर नहीं है। 200 साल पहले दिल्ली दंगा हुआ, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। जिस देश की न्यायिक व्यवस्था कमजोर होती है वहां अराजकता होती है। जिस देश की न्यायिक व्यवस्था, कानून घटिया हो, न्यायिक व्यवस्था घटिया हो, वहां पे अराजकता ही होती है। दुर्भाग्यवश भारत की न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, पुलिस व्यवस्था एकदम कमजोर हो चुकी है, लोगों को सजा मिल नहीं रही है, दंड मिल नहीं रहा है। जब दंड नहीं मिलेगा तो भय नहीं होगा, दंड नहीं मिलेगा तो अराजकता कम नहीं होगी। 2006 में नोएडा में निठारी कांड हुआ था, ध्यान है आपको, अखबार जो बड़े हैं उनको पता होगा 2006 में क्या हुआ। 19 लोगों का नरकंकाल मिला एक ही घर में, छोटे छोटे बच्चों का नरकंकाल, महिलाओं का, बेटियों का, रेप हुआ, मर्डर हुआ, उनके कलेजे निकाल लिए गए। और 2023 में फैसला आ रहा है कि भैया जिसके खिलाफ आरोप है ये बेगुनाह है। तो क्या 19 ने उस 19 बच्चों की, 19 महिलाओं की हत्या फिर किसने किया? जिस जज ने ये कहा कि हमको कोई सबूत नहीं दिख रहा है, उस जज ने पंधेर और कोहली का नार्को पॉलीग्राफी मैपिंग क्यों नहीं करा लिया? अरे एक बार नार्को टेस्ट करा लेते, पॉलीग्राफ टेस्ट करा लेते, ब्रेन मैपिंग करा लेते, वो तीनों अगर बेगुनाह होते तो छूट तब छोड़ते। अगर आपको पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं, सीबीआई की जांच पे भरोसा नहीं, तो अपना दिमाग लगा लो। खुद कहते भाई ठीक है, इसके खिलाफ जो एविडेंस हमें पूरे नहीं मिल रहे, एक काम करो, इन दोनों का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग करो और मेरे सामने करो, न्याय देना है। 19 महिलाओं की हत्या हुई है, 19 बच्चियों की हत्या हुई है, जघन्य हत्या हुई है, उनके अंग के टुकड़े टुकड़े काटे गए हैं और आप कह रहे हो कोई सबूत नहीं मिल रहा। दिल्ली दंगों वालों का किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। यहां 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई क्या? 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई क्या? 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई क्या? जयपुर में कन्हैया तेली की जघन्य हत्या हुई, सामने सामने कपड़ा सिलवाने के नाम पे आए, गला काट दिया, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई क्या? लोग धमकी देते रहते हैं, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, सनातन धर्म को खत्म कर दूंगा, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई क्या? भारत की न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है। और चूंकि दंड नहीं मिल रहा, एक तो कानून भी कमजोर है, ऊपर से व्यवस्था सड़ गई। बड़े बड़े वकील कर लेते हैं और वो वकील जब चाहते हैं 100-200 तारीख लेते रहते हैं
और जस्ट आप तारीख पे तारीख देते रहते, इस देश की आधी समस्या खत्म हो जाए अगर जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, एक साल के अंदर मुकदमों का फैसला होना शुरू हो जाए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आधी समस्याओं का समाधान हो जाए। गरीब आदमी की जमीन पे कब्जा होता है, उसको 30-40 साल मुकदमा लड़ना पड़ता, फिर उसकी जमीन मिलती है तो उसको न्याय कहां मिला? 30 साल जो उसने पूरा टाइम खराब किया, 30 साल वो टेंशन में रहा, पूरा परिवार टेंशन में रहा, उसको न्याय थोड़ी मिला। अरे किसी ने कब्जा किया, कब्जा खाली कर दिया। और अंग्रेजों ने जब कानून बनाया तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी, क्योंकि जज भी उनके, वकील भी उनके, सब कुछ उन्हीं के थे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जज जिसको चाहे सजा दे, जिसको चाहे न दे, और सजा दे तो भी ठीक, छोड़ दे तो भी ठीक, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अगर ये कानून अच्छे होते तो जब तक यहां अंग्रेज थे, पीड़ित कौन था? जोर से बोलिए, भारतीय। टॉर्चर करने वाले कौन थे? अंग्रेज। किसी अंग्रेज को सजा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। जब कानून है, पुलिस है, जज है, न्याय व्यवस्था है, इसके बावजूद किसी अंग्रेज को सजा नहीं हुई, इसका मतलब कानून अच्छा नहीं है। सीधी सी बात, अनफॉर्चुनेटली वो व्यवस्था कंटिन्यू रही। आज की डेट में गुलामी का नाम, गुलामी का निशान, गुलामी की परंपरा, गुलामी का रीति रिवाज, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की टैक्स व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, सब कुछ गुलामी का चल रहा है। जानते हैं क्यों चल रहा है? क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल पार्टियों की अफीम खा के बैठे हुए। बुरा मत मानना, आपसे मतलब केवल आपसे नहीं है, ये वीडियो 5-7 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा, मैं इसलिए सबकी बात कर रहा हूं। जनता केवल और केवल पॉलिटिकल पार्टियों की अफीम खा के बैठी हुई, जाति, भाषा, क्षेत्र, ये वो, कोई गांधीवाद की अफीम खा के बैठा हुआ है, कोई अंबेडकरवाद की अफीम खा के बैठा हुआ है, कोई लोहियावाद की अफीम खा के बैठा हुआ है, सबको एक एक गोली दे दिया, वो गोली खा के मस्त है। पूछते ही नहीं है कि भैया बीमारी ठीक नहीं हो रही। ये हमारे सामने बहनें बैठी हुई है, इनको खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, अगर तेल मसाला घटिया हो खाना अच्छा बनेगा क्या? जोर से बोलिए जरा, नहीं। ये स्कूल है, विद्यालय है, बहुत अच्छा है, डॉक्टर शर्मा को बहुत अच्छी तरीके पढ़ाना आता हो, ब्लैक बोर्ड ही काम न करे, इंफ्रास्ट्रक्चर ही खराब हो, अच्छा स्कूल चल पाएगा क्या? नहीं। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी खराब हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? जोर से बोलिए। जैसे ड्राइवर अच्छा हो या अगर गाड़ी खराब हो, यात्रा सुरक्षित नहीं होती है। खाना बनाना आता हो लेकिन तेल मसाला खराब हो, खाना अच्छा नहीं बनता है। मिस्त्री अच्छा हो लेकिन सीमेंट बालू खराब हो, घर सुरक्षित नहीं होता। डॉक्टर अच्छा हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक नहीं होती। वैसे शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छे नहीं होते तब तक किसी भी तरीके की अराजकता कम नहीं होती।